जिला ललितपुर तालबेहट में अहिंसा दल पार्टी ने विशाल सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से 51 जोड़ों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधा, जिसमें कुछ जोड़े उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिलों में शामिल हुए। अहिंसा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार राजपूत ने बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की महान कृपा से अहिंसा दल ने अब तक 4,000 निर्धन बेटियों का विवाह सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से संपन्न कराया है। विवाह समारोह का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है, क्योंकि अहिंसा दल का उद्देश्य है कि धन के अभाव में कोई भी बेटी या बेटा विवाह के पवित्र बंधन में बंधने से वंचित न रह जाए। एवं आज इस पावन स्थल पर, बुंदेलखंड की पावन भूमि पर, वीर भूमि पर ये जो उत्सव हो रहा है विवाह समारोह का, इस कार्यक्रम के हमारे सहयोगी बंधु आकाश राठौर जी जो हमारे प्रदेश महासचिव जी हैं, एवं हमारे बहुत ही स्नेही हमारे छोटे भाई श्री माता दीन राठौर जी जो संचालन कर रहे हैं, एवं श्री सुनील अहिरवार जी जो अहिंसा दल के अभिन्न अंग हैं, एवं सभी सम्मानित कार्यकर्ता सहयोगी बंधुओं का कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करते हुए, एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त देव देवतुल जनमानस को मैं साष्टांग दंड प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोज स्वामी, अर्थात आप सभी को सिया राम मैं जानकर साष्टांग दंड प्रणाम करता हूँ। क्योंकि कहा जाता है तिथि देवो भव, आज इस ऐतिहासिक क्षण में शादी के पवित्र बंधन में बंधे हुए सभी जोड़ों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, एवं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी से ऐसी कामना करता हूँ कि इनका संपूर्ण जीवन खुशियों से भरा रहे, इनके जीवन में कभी दुख ना आए, इनकी झोलियाँ सदैव खुशियों से भरी रहे। और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि जिस प्रकार आपने अहिंसा दल को जो सौभाग्य दिया है, आज तक 4,000 जोड़ों का विवाह संपन्न कराने का जो अहिंसा दल को आशीर्वाद दिया है, मैं आपसे पुनः आग्रह करता, निवेदन करता हूँ, साष्टांग दंड प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ऐतिहासिक क्षण, ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम अहिंसा दल के द्वारा निरंतर होते रहे, और ऐसे पवित्र कार्य जो हमारे सहयोगी बंधु कर रहे हैं साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि ईश्वर की योजना का अंग है, जो इस भारत भूमि पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए एवं ऐसे ऐतिहासिक कार्य करने के लिए जन्मे हैं, उनकी जननी को मैं नमन करता हूँ, उनकी जननी को बारंबार नमन करता हूँ, साष्टांग दंडोत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, उनकी जननी भी साधारण नहीं है, तो जिन्होंने ऐसे राष्ट्रभक्तों को, ऐसे समाज सेविकों को, ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जो समाज सेवा में तत्पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी जननी को बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।